रामपुर में पान दरीबा स्थित रामपुर पब्लिक स्कूल, जो सपा के पूर्व मंत्री आजम खान की ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है, आज प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की इस पर। और सपा सरकार में शासन ने रामपुर पब्लिक स्कूल को मदरसा आलिया भवन दिया था। एडीएम साहब, आज ये रामपुर पब्लिक स्कूल की किड जोन शाखा पर जिला प्रशासन ने छापा मारा है, क्या है पूरा मामला? ये नहीं, यूनानी हॉस्पिटल का मामला है। यूनानी हॉस्पिटल के जो कमरे थे 22, वो हमारे यूनानी डॉक्टर साहब, उनको दिया जाना था, उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको कब्जा करा दिया गया है। तो क्या इसमें रामपुर पब्लिक स्कूल चल रहा था क्या? ये कमरे उन्हीं के कब्जे में थे, उनसे खाली करा करते थे। किसके कब्जे में थे ये? इसी रामपुर पब्लिक स्कूल के कब्जे। कितने कमरे खाली कराए गए? 22 कमरे हैं टोटल। तो पूरा खाली करा दिया गया? हाँ, वो जो यूनानी हॉस्पिटल का था उसको खाली करा दिया गया। अच्छा, एडीएम साहब, रामपुर पब्लिक स्कूल इसमें चलेगा क्या? वो जो लीज का उनका है अलग है। एडीएम साहब, इस बिल्डिंग के अंदर क्या रामपुर पब्लिक स्कूल का भी कुछ पोर्शन है क्या? जी जी, जितना उनका पोर्शन लीज का है उसको अलग कर दिया गया, उसको अलग कर दिया गया। अच्छा, ये पूरा कब्जे में था रामपुर पब्लिक स्कूल का? नहीं, केवल यूनानी हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम लोगों ने कराया। सर, ये इमारत किसकी है? यूनानी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, जो यूनानी हॉस्पिटल की है उसको खाली करा के डॉक्टर साहब जो हैं यूनानी हॉस्पिटल, उनको दे दिया गया। तो क्या यूनानी हॉस्पिटल पे रामपुर पब्लिक स्कूल वालों ने कब्जा कर रखा था? यूनानी हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो यहाँ अंदर कमरे थे उसी पर कब्जा था, उसी को खाली, उतना पोर्शन खाली कराया। किसने कर रखा था कब्जा? रामपुर पब्लिक स्कूल चल रहा था जो, उन्हीं का। तो कोई कार्रवाई हुई है? ये कार्रवाई तो हो रही है। नहीं, उनके खिलाफ जिन्होंने इतने दिन तक कब्जा कर रखा, वो ऑलरेडी पहले ही हो गया FIR। अच्छा, किस किस के नाम FIR? कितने लोग अज्ञात में है अभी? वो कितने लोग हैं सर यहाँ पर? अज्ञात में है सर। कुछ सफाई यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे अब हैं। वो एक अलग लगी है, कुछ कार्रवाई होगी? वो अलग बिंदु है यहाँ से करने के लिए। इसके अलावा जो 144 की कार्रवाई है वो अपनी कार्रवाई अलग से चलेगी। ये लीज तो हमारे पास, ट्रस्ट के पास बहुत पुरानी है। ये इमारत तो बहुत पुरानी है, 2 साल से 3 साल से, बल्कि यहाँ बच्चों का, मासूम बच्चों का, दूध पीते बच्चों का स्कूल चल रहा है। ये कितना अमानवीय काम है, शर्म से डूब के मर जाने की बात है। ये अगर कोई अधिकारी ये समझ रहा है कि उसने बहुत बहादुरी का काम किया है, नहीं, उसने नपुंसकता का काम किया, कायरता का काम किया, क्योंकि उसने यहाँ के बदचलन अय्याश नेताओं के सामने घुटने टेक दिए हैं। जाहिर है हिस्सेदार हुए होंगे कुछ चीजों के, घुटने टेक दिए। ये मौका जब 1-1.5 महीना चुनाव होने में रह गया है, पोलिंग हो, क्या किसी भी उत्तर प्रदेश में कहीं भी ऐसी मिसाल है इस तरह की? ऐसे मौकों पर तो जिला प्रशासन चीजों को डालता है कि नहीं भाई, सब कोई डिस्प्यूट हो गया, हंगामा हो गया, तो चुनाव प्रभावित होगा। इलेक्शन कमीशन को हम क्या जवाब देने के? फौरन बाद जिलाधिकारी साहब ने फौरन अपनी मर्जी का ADM लेकर आए, जो आया था उसे 1 दिन के अंदर हटा दिया। अपनी मर्जी का SDM लेकर आए, 3 घंटे के अंदर SDM हटा दिया, 2 घंटे के अंदर सिटी मजिस्ट्रेट हटा दिया, DM, ADM, SDM, सदर, सिटी मजिस्ट्रेट, और 2 दिन के अंदर आकर साहब उन्होंने तहलका मचा दिया। स्कूल चल रहा था सर उस दौरान जब ये प्रशासन? हाँ, स्कूल बच्चों का स्कूल लगा हुआ था, सबको निकाल के बाहर, पकड़ के बच्चों को निकाल। आजम भाई, इतने बुरे अधिकारियों के बीच निष्पक्ष चुनाव संभव है? और मैं तो ये समझता हूँ चुनाव ही न होने की कोशिश है कि किसी तरह रामपुर में ऐसे खूनी हालात पैदा कर दिए जाए, ऐसे बुरे हालात पैदा कर दिए जाए। आज भी अनडिक्लेयर्ड कर्फ्यू था,